रहे साहिल, अपना वर्कआउट करना, मेरे को क्या देख रहा है। चल बे, चल फुकरे, चल अपना काम कर। क्या घूर रहा है बे? जिम में धक्का क्यों दिया? मैं धक्का दूं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। बच्चा है, बच्चा बन के रहे। कंपटीशन में तो हरा दिया तुझे, अब और क्या चाहता है? चले चल, एक कंपटीशन में हरा के खुद को बहुत शाना समझ रहा है क्या? होता है तेरे जैसे। कंपटीशन कंपटीशन होता है और असली जिंदगी होती है। तुझे मैं इसी जगह मारूंगा जहाँ तू जिंदगी भर याद रखेगा। मैं तुझे असली जिंदगी के कॉम्पिटिशन में हराऊंगा। हार क्या होती है तब तुझे पता चलेगा। मेरा मजाक उड़ाने से अच्छा अपनी खुद की चिंता कर। तुझे मैं इस जगह मारूंगा जहाँ तुझे सबसे ज्यादा लगेगी। अरे जा रहे, बहुत देखे तेरे जैसे। देख लेंगे। अरे भाई, अभी तक मैं अकेला ही हूँ, दो ग्लास किस लिए लाए अपने? अरे कुछ नहीं भाई, वो भाई भी दो दो ग्लास लाके रख रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, मुझे जरूरत है भाई, किसी ने लेवल की कोई मिल ही नहीं। भाई सुन, वो जो मैडम बैठे ना, उनका बिल नहीं लेना, उनका बिल मैं पे करूंगा। ओके मैडम, वो जो अंदर सर बैठे उन्होंने आपका बिल पे कर दिया। पे कर दिया? हाँ। पर क्यों? एक्सक्यूज मी, आपने मेरा बिल पे किया? हेलो, एक्सक्यूज मी, आपने बिल पे किया मेरा? क्या मैं रीजन जान सकती हूँ? बस ऐसे ही। ऐसे ही कोई किसी के लिए बिल पेमेंट क्यों करेगा? वो आप आई बैठी उधर, जूस पिया, आपने स्माइल की ना मुझे देख के। मैं दोस्त से बात कर रहा था, दोस्त ने कहा लड़की हंसी तो फंसी। What? आपको क्या मैं ऐसी लड़की दिखाई देती हूँ कि लड़की हंसी तो फंसी? एंड मैंने आपको देख के कब स्माइल पास किया? मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने आपको देख के नहीं हंसा, और आपने दोस्त को भी कह दिया कि लड़की हंसी तो फंसी नहीं होता है। आप मुझे बताइए आपका पेमेंट कितना हुआ है? मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ। अच्छा, आपका एहसान नहीं लेना। अच्छा, एक काम करें, नेक्स्ट टाइम जब भी हम साथ में हो तो आप पे कर देना। नेक्स्ट टाइम हू नोस कि हम लोग मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। आप कैसे कह सकते हो कि नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे? जिस तरह ये दुनिया गोल है ना, उसी तरह बहुत छोटी भी है।
तो पता नहीं कब कहाँ मिले, हो सकता है आधे घंटे बाद मिले, हो सकता है कल मिले। तो आप दैट मींस कि आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है और हमें नहीं लगता कि हम कभी मिलेंगे भी, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि मैं आपसे मिलूं, बिकॉज मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो जान लेते हैं। हाय, आई एम साई। जस्ट शट अप, ओके? मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप उस जूस कॉर्नर पे डेली आते हो? हाँ, मोस्टली मैं आती हूँ वहाँ पे रोज, पर समटाइम्स नहीं भी आती हूँ। आप रहने के लिए? मैं उस जूस कॉर्नर के नियर बाय रहती हूँ। ये कौन है आपके साथ? ये मेरी छोटी बहन है। आप कुछ लोगे?
नहीं नहीं हम लोग तो जाने ही वाले थे, बस आप आए तो हम लोग बैठ गए, लेकिन नहीं निकल गए। अभी अगर हम कहाँ मिल सकते हैं? मैं इसे आपको कंफर्म नहीं कर सकती कि कब मिलेंगे, मतलब क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं तो अगली बार का कंफर्मेशन नहीं दे सकते, और मिलेंगे भी या नहीं आई डोंट नो। साहिल नहीं, मैं नहीं पहचान पाई। हम जूस बार पे मिले थे। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस निकालना था तो कोशिश की, कहीं ना कहीं से तो निकल ही गया। थैंक यू सो मच, आज आप आई, आपने मुझे मिलने का मौका दिया, थैंक यू वंस अगेन। आप आई मुझे बहुत अच्छा लगा, हम दो बार मिल भी चुके हैं बट आपने आपका नाम बताया। हाय आई एम साहिल। हाय आई एम प्रीति। आप क्या लोगे, चाय, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं मैं ये सब नहीं लेती। अच्छा कुछ खा तो लो। नहीं सच में मन नहीं। कुछ तो लो ना। चलो ठीक है, जो आप खाओगे मैं भी वही खाऊंगा। भैया दो पाव भाजी लाना। ग्रेट। वैसे आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? Thank you.
प्रीति प्रीति साहिल प्रीति साहिल प्रीति साहिल प्रीति साहिल 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 मेरा भाई विवेक विवेक प्रीति कहाँ है विवेक? तू ठीक हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन मत ले साहिल, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बता विवेक प्रीति कहाँ है विवेक? साहिल कल कल होता है, आने वाला भी एक कल है साहिल, पिछली बातें भूल और आगे चल साहिल। विवेक तू सच बता, तुझे अपनी दोस्ती की कसम विवेक, बता प्रीति कहाँ है विवेक बता। जिगर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था साहिल, जिगर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। विवेक तू यही रुक, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। साहिल तेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरे भाई, तू कहीं नहीं जा रहा, तू यहाँ से सीधा घर जाएगा। विवेक तुझे बोला ना, समझा कर, मुझे कुछ काम है, अब ये काम मुझे अकेली ही खत्म करना है।
पता भी तू क्या बोल रहा है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मेरे भाई, गले मिल इसी बात पे। मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी। आज अगर तू नहीं होता तो मेरा काम नहीं होता। बता तुझे क्या चाहिए? आपने आज तक इतना दिया है भाई, बस आपका हाथ ही रहने दो, यही काफी। हाथ क्या, तू अपने दिल में बैठा हुआ भाई। बस आज अगर तू नहीं होता तो मेरा ये काम नहीं होता। और ये जो मेरा काम हुआ है ना, तुझे पता नहीं है तूने और प्रीति ने आज मेरे लिए क्या किया। ये बात मैं कभी नहीं की। प्रीति का है? प्रीति का फोन आया था, पता नहीं कुछ डरी हुई थी, सहमी सहमी थी। उसे शक हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा, हमारा पीछा कौन कर सकता है? कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? कहीं साहिल तो नहीं? साहिल? भाई किसकी बात कर रहा है? तुझे पता नहीं मैंने उसका क्या किया? पता नहीं मैंने साहिल का क्या किया था, उसके बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? तुम्हें भरोसा नहीं मेरे पे? वो तो है बॉस। फिर प्रीति को फोन लगाओ, देखो कहाँ है वो। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये प्रीति ही है ना? ये प्रीति है तो ये प्रीति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? पता करना पड़ेगा कि क्या मसला है। भाई प्रीति आ गई। वाओ, कैसा रहा? बहुत अच्छा। सब ठीक था? ऐसा क्यों लगा कोई पीछा कर रहा? पता नहीं, जब मैं वहां पे थी तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा पर कोई नहीं था, फिर मैंने तुम्हें फोन किया। मैं वही बात अभी विवेक को बता रहा था, तुमने देखा नहीं फोन? नहीं, मैंने पीछे मुड़ के देखा पर मुझे कोई दिखा नहीं, फिर मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई। देखना पड़ेगा कौन बंदा, आखिर ऐसा कौन पैदा हो गया। तो नहीं साहिल? नहीं, तुझे भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साहिल का मैंने क्या किया है। ऐसा इसके प्यार में पागल हुआ, सब कुछ भूल गया, ना दिन ना रात।
हमने साहिल की अब तो जिगर को मरवा का सही किया। कुछ गलत नहीं किया भाई, अपना काम निकलवाना है तो साथ सब कुछ करना पड़ता है। ये तो होना ही था, हमने प्लान ही ऐसा बनाया था और हमारे प्लान को अंजाम विवेक ने दिया है। ये बात सच है भाई, अगर विवेक तू नहीं होता तो आज हमको इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। एक बात बता विवेक, यार ये लड़की होके रेड वाइन पीती है तो तू क्यों नहीं लेता? लेगा बोल डालू? नहीं बॉस। नहीं चल ठीक है कोई नहीं, मुझे पता है तू नहीं पीता तो मैं तेरे को बिगाड़ूंगा। और जातक रही किसकी बात यार, कौन था वो? जिगर। जिगर नहीं यार, जिगर को मारना था साहिल। साहिल का हमने जो किया वो उसकी किस्मत में था, उसको धोखा देने के लिए हम आए थे। भाई एक मिनट, जरूरी कॉल। किसका फोन? ऑफिस से। ठीक बात कर। प्रीति जिंदा है और ये उसके साथ कौन है? इतना बड़ा धोखा। अरे विवेक हेलो, बात। हाँ भाई, तू शायद कुछ बोलने वाला था, तेरे को फोन आ गया था बीच में। जैसे ही अस्पताल में को मैंने बताया कि प्रीति अब नहीं रही तो पागलों की तरह रो रहा था। विवेक यार तू तो मेरा दोस्त था,